डॉक्टर मीर जवाद जार खान चेयरमैन जर्मेंटन हॉस्पिटल को 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद के हाथों चैंपियंस ऑफ चेंज के खिताब से नवाजा गया। ऑल ओवर इंडिया टाइम्स रैंकिंग में जर्मेंटन हॉस्पिटल को प्लेस किया गया है। एक्सपीरियंस्ड जर्मन एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी ओनली एट जर्मेंटन हॉस्पिटल अतापुर हैदराबाद। हाय नाजर, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि तेलंगाना के दो नौजवानों को लेकर है जिन्होंने तेलंगाना का नाम रोशन करते हुए अरुणाचल प्रदेश में एक बॉक्सिंग कंपटीशन में हिस्सा लेते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। शमशीरगंज में मौजूदा हबीब मुस्तफ़ा बॉक्सिंग एकेडमी के दो स्टूडेंट थे जिनका नाम था अब्दुल हमदा और हादी उमर। ये दो नौजवानों ने जो है ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। तो आई खबर हम आपको दिखाते हैं। मैं हबीब मुस्तफ़ा बॉक्सिंग कोच और मैनेजिंग डायरेक्टर हबीब मुस्तफ़ा बॉक्सिंग एकेडमी जूनियर नेशनल वॉइस बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि 9 तारीख से 14 तारीख तक अरुणाचल प्रदेश ईटानगर में जो है मुनक्किद हुई थी, जिसमें के मेरी एकेडमी हबीब मुस्तफ़ा के दो लड़के अब्दुल हादी उमेर 44-46 के जी पिन वेट और हमजा मोहम्मद अहमद लाइट हैवी वेट 75-80 के जी में दोनों लड़कों ने जो है तेलंगाना स्टेट की नुमाइंदगी करते हुए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। तेलंगाना से सारी की सारी टीम पार्टिसिपेट करी थी। 13 वेट्स खेल थे रहते हैं बॉक्सिंग में, 13 वेट्स पूरे पार्टिसिपेट करे जिसमें के दो मेडल आए जो तेलंगाना को जो अपनी एकेडमी हबीब मुस्तफ़ा बॉक्सिंग एकेडमी के लड़के हैं दोनों। ये बच्चे कहाँ से ताल्लुक रहते हैं, कितने टाइम से आपके पास जो है लोग कोचिंग में? ये लड़के यही पुराने शहर के हैं, एक का ताल्लुक जानुमा से और एक का ताल्लुक जो है किशनबाग एरिया से है। और ये लोग जो है एक लड़का कुछ 3 साल से कर रहे हैं हमजा मोहम्मद अहमद और एक लड़का 1.5 साल से कर रहे हैं, बहुत कम टाइम में जो है मेडल अचीव करा। कैसा महसूस कर रहे हैं आपके हबीब मुस्तफ़ा एकेडमी से जो है आए दिन ऐसे हीरे तराश कर आप निकाल रहे हैं बाहर जो काफ़ी बच्चों को जो है मेडल चाह रहे हैं जी, तो उसके बारे में आपका क्या कहना? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फील तो अच्छा ही होगा क्योंकि नेशनल लेवल पर मेडल मारना जो है छोटी मोटी बात नहीं है। जो फेडरेशन के गेम होते हैं जो ऑफिशियल गेम वैसे तो इन्विटेशनल टूर्नामेंट जो पैसा वगैरह दे के जो खेले जाते हैं वो उसके अंदर मेडल पक्का कंफर्म होता है क्योंकि अपोनेंट वहाँ पर एक अपोनेंट रहता है, जीतने के बाद गोल्ड हारने के बाद सिल्वर सारी कहानियाँ उसके अंदर रहते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट के जो गेम्स होते हैं फेडरेशन के जो गेम्स होते हैं इसके अंदर प्रॉपर जिसके 30 स्टेट्स आते हैं इंक्लूडिंग सर्विसेज इंडियन आर्मी और स्टील प्लांट जैसे जो है बड़े बड़े महकमे उसके अंदर जो है आके पार्टिसिपेट करते हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट मेडल ऑन देट। तो एक एक ब्रॉन्ज के लिए भी जो है उसके अंदर थोड़ा जो भी बॉक्सर है वो लोग जो है उनको पता है कि जो है कितनी मुसीबत होती है एक मेडल के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एकेडमी के दो लड़कों के जो है ब्रॉन्ज मेडल आया, बहुत मसरत और खुशी की बात। और स्पोर्ट मिनिस्टर्स वगैरह से भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी हाँ, वो अभी तो आए हैं आज ही एयरपोर्ट से जो है इधर डायरेक्ट एकेडमी में आए। तो जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना बॉक्सिंग एसोसिएशन पी रविंद्र जो है साहब है वही जो है उनके जरिए जो है फेडरेशन जो तेलंगाना का है वही हमको लेकर आके स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिलाएंगा। तो देखते हैं किस हद तक जो है क्योंकि तेलंगाना को मेडल दिया है लड़के तो तेलंगाना गवर्नमेंट क्या करती देखेंगे। कितने टाइम के बाद जो है तेलंगाना कब से पार्टिसिपेट कर रहा है चैंपियनशिप में और कितने साल के बाद जो है मेडल आया है? जी मेडल तो जो है एक आध दो का आते रहते मेडल लेकिन दो मेडल आए बहुत सालों के बाद आए ऐसा सुनने में आया, तो बहुत अच्छी चीज़ है। और भी आएंगे जो है मेडल अगर कुछ हुकूमत और जो है स्पॉन्सर्स वगैरह जो है अगर आगे आएंगे तो जो है लड़के जो है जैसे दो आए और कल आने वाले सालों में 4 या 5-6 भी मेडल्स आ सकते हैं। तो ज़रूरत है कि जो स्पॉन्सर्स आगे आएँ। एक अरसे से जो है मैं पुराने शहर में बहुत सारे लोग पहचानते मेरे को कि मैं बॉक्सिंग के पीछे एक अरसे से एक सालों से जो है मैं मेहनत कर रहा हूँ बॉक्सिंग के लिए लेकिन जो है बहुत कम लोग जो है जैसा फजल खान HH के पोल्ट्री मेरे दोस्त हैं वो थोड़ा आगे आए हैं। तो वैसे जो है कोई इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं VIPs है हैदराबाद में जिसके पास कमी नहीं है, जी हाँ बहुत सारे हैं। लेकिन अभी तक तो कोई मेरे जबकि मैं सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहता हूँ और बहुत नाम है मेरी एकेडमी का पिछले 3-4 साल में कई लड़के खेलो इंडिया में मेडल दे रहे हैं और जो है नेशनल गेम में जो नेशनल स्क्वाड जूनियर में मेडल आया। तो ज़रूरत है कि जो है कोई स्पॉन्सर्स आगे आए
तो उससे भी जो है और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मदद मिलेंगी, बच्चों की डाइट के लिए मदद मिलेंगी और जो है उससे और बहुत सारे जो है चीज़ें, जैसे कि मैं पहले भी बाइक में बताया है कि दूसरे स्टेट्स में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई हॉस्टल्स होते हैं जिसमें बच्चे सरकार की तरफ से होता है, बच्चे उसी के अंदर रहते हैं, खाते पीते हैं, वहीं सो जाते हैं, वहीं से स्कूल को जाते हैं, कॉलेज को जाते हैं, वहीं पर प्रैक्टिस करते हैं। खाली एक तेलंगाना ही ऐसा स्टेट है जिसके पास साई हॉस्टल नहीं है। तो एक लोकल एकेडमी से बच्चे अगर जाके पार्टिसिपेट करके अगर मेडल मार रहे हैं तो हमारे लिए बहुत खुशी और बड़ी बात है। तो अगर स्पॉन्सर आएंगे मेरे पास, स्पॉन्सर रुजू होंगे मेरे से, तो साई हॉस्टल के बराबर में अचीवमेंट रखने का मेरे अंदर दम रखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल हादी उमेर है। मैं अभी हाल ही में जो फिफ्थ जूनियर बॉयज़ नेशनल चैम्पियनशिप हुआ है वहाँ से अभी एयरपोर्ट से आया हूँ। मैंने वहाँ पर अरुणाचल में फर्स्ट बोर्ड मेरा उनसे हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर से हुआ था फर्स्ट बोर्ड, उनको हरा कर सेकेंड में मैंने दमन एंड दीव को हरा कर क्वार्टर फाइनल में अचीवमेंट लिया था। क्वार्टर फाइनल में वेस्ट बंगाल को हरा कर मैंने ये नेशनल में मेडल पाया है। मैं हबीब मुस्तफ़ा बॉक्स अकेडमी में एक डेढ़ साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मैं अमर जूनियर कॉलेज में इंटरमीडिएट कर रहा हूँ। मेरा नाम मुंगा मोहम्मद अहमद है। मैं ये सेंट मार्क बॉस्टन हाई स्कूल में पढ़ता हूँ 9th स्टैंडर्ड में। हाल ही में जो फिफ्थ जूनियर चैम्पियनशिप अरुणाचल प्रदेश में हेल्ड हुआ था उसमें मैं जम्मू एंड कश्मीर, उड़ीसा एंड उत्तराखंड को क्वार्टर फाइनल में हरा के ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजवी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D, डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तियाब है। आपकी उम्मीदों के अहम मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।